कौन बनेगा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री? पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शरीफ खानदान से ही कोई शख्स बनेगा। सबसे पहले पाकिस्तान के चार विकल्पों को समझिए। पाकिस्तान के पास पहला विकल्प है नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने, लेकिन अब ये मुश्किल लग रहा है। पीएमएलएन को अगर पूर्ण बहुमत मिलता तो नवाज के छोटे भाई शहबाज शरीफ खुद उनके प्रधानमंत्री बनने का ऐलान कर चुके थे, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक अब नवाज शरीफ गठबंधन सरकार नहीं संभालना चाहते क्योंकि कमजोर सरकार में फैसले लेना मुश्किल होगा और मुल्क के हालात बिगड़ने पर उनकी साख में और बट्टा लगेगा। पाकिस्तान का दूसरा विकल्प है शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। नई परिस्थितियों में ऐसा संभव है क्योंकि नवाज शरीफ अब उनका नाम खुद आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास संभावित गठबंधन में सबसे ज्यादा 75 सीटें हैं। कई निर्दलीय भी पीएमएलएन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा शहबाज के जनरल आसिम मुनीर से भी अच्छे संबंध हैं। पाकिस्तान का तीसरा विकल्प है बिलावल भुट्टो, लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने का रोड़ा नवाज बनेंगे क्योंकि नवाज शरीफ बिलावल को प्रधानमंत्री बनाकर उनका कद नहीं बढ़ाना चाहेंगे। इसके अलावा पीपीपी के पास पीएमएलएन के मुकाबले कम सीटें हैं, वहीं सेना भी सिंध के नेता को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहेगी। पाकिस्तान की मीडिया में एक खबर और चल रही है कि पीपीपी और पीएमएलएन के बीच आधे आधे वक्त तक सरकार संभालने की चर्चा भी हुई है, यानी आधे समय प्रधानमंत्री शहबाज और आधे वक्त बिलावल, ये भी संभव है क्योंकि बिलावल भुट्टो नहीं माने तो नवाज को उनके आगे झुकना पड़ सकता है। लेकिन इसके लिए भी दोनों पार्टियों को जनरल मुनीर की सहमति लेनी होगी और इस स्थिति में भी सत्ता पहले शहबाज शरीफ ही संभालेंगे। और चलिए अब आप देखिए पाकिस्तान में सरकार गठन को लेकर क्या क्या चल रहा है। नवाज चाहते हैं शहबाज प्रधानमंत्री बन जाए, जरदारी चाहते हैं बिलावल प्रधानमंत्री बन जाए और इमरान खान की पार्टी चाहती है किसी तरह उनकी सरकार बन जाए। लेकिन ऐसा करने के लिए जनादेश किसी के पास नहीं, तो सबसे बड़ा सवाल है सरकार कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा। पाकिस्तान में कई सियासी सवाल हैं, लेकिन एक चीज जो तय हो चुकी है वो ये है कि सरकार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और सहयोगी पार्टियां ही मिलकर बनाने जा रही हैं। यानी चुनाव से पहले जो कुछ पाकिस्तान में चल रहा था, जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। लाहौर पाकिस्तान में नई सरकार के गठन के लिए सियासत का केंद्र बन चुका है, यहाँ पर बैठकों का सिलसिला चल रहा है। लाहौर में नई सरकार गठन के लिए तीन बड़ी बैठकें हो चुकी हैं। पहली बैठक नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन के नेताओं की हुई। दूसरी बैठक में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नेता आकर मिले। और तीसरी बैठक में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और उनके पिता आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ और पीएमएलएन के दूसरे नेताओं से मुलाकात की। और इन मुलाकातों के बाद नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने सरकार बनाने के अपने अपने फॉर्मूले दिए हैं। नवाज चाहते हैं शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया जाए, जबकि जरदारी चाहते हैं बिलावल प्रधानमंत्री बने। नवाज ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को जो विकल्प दिए हैं उसके मुताबिक वो जरदारी को राष्ट्रपति का पद दे सकते हैं, जबकि जरदारी भी नवाज शरीफ को राष्ट्रपति का पद देने के लिए तैयार है। नवाज शरीफ ने पंजाब में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का समर्थन मांगा है, जबकि जरदारी चाहते हैं नवाज शरीफ बलूचिस्तान में उनकी पार्टी को समर्थन दे। नवाज शरीफ ने पंजाब की मुख्यमंत्री अपनी बेटी मरियम नवाज को बनाने की मांग की है, जबकि जरदारी यूसुफ रजा गिलानी को कौमी असेंबली का स्पीकर बनाना चाहते हैं। दोनों ही नेताओं ने बैठकों में अपनी अपनी बातें रख दी। लेकिन नवाज शरीफ ना तो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, ना ही बिलावल को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। स्पीकर का पद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को देने में नवाज को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन इस गठबंधन में ये भी तय है होगा वही जो नवाज शरीफ तय करेंगे। हालांकि बिलावल हाउस में शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में इस बात पर भी चर्चा की गई है कि दोनों पार्टियां सरकार के कार्यकाल में आधे आधे वक्त अपना अपना प्रधानमंत्री बनाए, यानी बिलावल और शहबाज दोनों प्रधानमंत्री बन सकते हैं। चलिए अब समझिए आखिरकार वो बिलावल भुट्टो जो किसी भी कीमत पर पीएमएलएन के साथ जाने को तैयार नहीं थे, वो लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकातें क्यों कर रहे हैं। इसकी पहली वजह है सेना प्रमुख जनरल मुनीर का हंटर, जिससे हां के जाने के बाद ही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता कराची से लाहौर पहुंचे। और दूसरी वजह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेरुखी, जिसका जिक्र अब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता खुलकर कर रहे हैं। ऐसे में इमरान खान की पार्टी रेस से बाहर निकलती दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सपोर्ट के बगैर पाकिस्तान में सरकार बन ही नहीं सकती,
ये भी तय है, ऐसे में इमरान खान के समर्थक विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे जनरल मुनीर ये पहले से ही तय कर चुके थे कि किस पार्टी को कितनी सीटें देनी है, इसी लिहाज से सीटों का बंटवारा हुआ और अब पाकिस्तान के पत्रकार चुनाव में खुलकर धांधली का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि पीटीआई के ऐसे ऐलानों का असर उनके जीत कराने वाले नेताओं पर भी पड़ रहा है, क्योंकि जिन नेताओं ने ऊपर वाले की कसम खाकर इमरान का साथ देने की बात कही थी वो अब नवाज शरीफ के पाले में हाथ बांध कर खड़े नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कुनबा बढ़ रहा है और ये गठबंधन में शरीफ बंधुओं की ताकत भी बढ़ा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के कांटों वाला ताज शहबाज शरीफ के सिर पर सजने की सबसे ज्यादा संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।